गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू एम कॉम सेमिस्टर फोर अब हम बात करते हैं एम कॉम सेमिस्टर फोर अप्रिल ट्वेंटी टू के एमसी क्यू की क्योंकि बाकी दो साल के एम सी क्यू ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है चैनल पे तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं लेट स्टार्ट क्या फ्रॉम ह्योर इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड प्रॉफिट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ऑफ द सेंटर

स्टैंडर्ड डिवेशन थर्टी थाउजेंड मेन इज वन लेक ट्वेंटी थाउजेंड हम डिवाइड करेंगे इंटू हंड्रेड करेंगे तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ये योर आंसर एंड दट इज योर को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन याद रखिए परसेंटेज में ढूंढना इसलिए हंड्रेड से हम मल्टीप्लाई करेंगे चलिए उसके बाद का है आंसर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट अरे रेस्पॉन्सिबल सेंटर हुज परफॉर्मेंस इज मेजर बाई इट आई इज नोन एज इन्वेस्टमेंट सेंटर पी आई वन इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड पी वी कंट्रोलेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवन्यू माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट हायर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर इंडिकेट्स लो रिस्क ये सब ना, MCQ, है ना एम बहुत सारे एम सी ऐसे जो थियोरी के अंदर हैं आपको रेडीमेड नहीं मिलेंगे यू हैव टू रीड थियोरी नाउ दिस इज द वन द एन पी यू एफ जेल लिमिटेड ऑफ थ्री ईयर्स इज वन एटी लैक प्रोजेक्ट का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है जेल का तीन साल का वो एक सौ अस्सी लाख है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर है टेन परसेंट के हिसाब से तीन साल की टू पॉइंट फोर एट सेवन आपको ढूंढना है एनुअल बेनिफिट एनुअल बेनिफिट ढूंढना है तो सिंपल है आपका तीन साल का एक लाख आपका जो प्रोजेक्ट का वैल्यू है उसको आप डिवाइड करेंगे आपके इक्विवेलेंट फैक्टर से जो तीन ही साल का टू पॉइंट फोर एट सेवन है सो विल गेट द वन ईयर एन्यूटी फैक्टर वन ईयर यानी कि एन्यूअल इक्विवेलेंट फैक्टर विच इज़ वन ईयर एन्युअल इक्वलेंट बेनिफिट विच इज सेवेंटी टू पॉइंट थर्टी एट लैख राइट तो इट्स सिंपल वन कि आपका टोटल है उसको एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड करिए जनरली ये हम टेबल में से निकालते हैं पर क्योंकि एम सी क्यू है और आपको फटाफट सॉल्व करने इसलिए उन्होंने वैल्यू दे के रखिए सो so, और आंसर इज सेवेंटी टू पॉइंट थर्टी एट लैख हयर इट इज इफ नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज एटीन परसेंट एंड डिस्काउंटिंग रेट इज सिक्स परसेंट दैन रियल डिस्काउंटिंग रेट विल भी हेयर वी नीड टू सॉल्व दिस फॉर्मूला ये आप लर्न कर लेना दिस वन क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको बदल बदल के पूछ सकते हैं वन प्लस दिस इज रियल रेट दिस इज डिस्काउंटिंग रेट एंड दिस इज नॉमिनल रेट आपको फिगर पुट आउन करनी है रियल रेट हमें ढूंढना है डिस्काउंटिंग इज सिक्स परसेंट नॉमिनल इज एटीन परसेंट इसका टोटल सिक्स परसेंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एटीन परसेंट जीरो पॉइंट एटीन वन से हम प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है कोई साइन नहीं होता है ब्रैकेट के बीच में दैट इज मल्टीप्लीकेशन तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सो वन प्लस आर इज इक्वल टू दिस हमें सिर्फ आर ढूंढना है रियल रेट तो हम वन को इधर ले जाएंगे जो माइनस में चला जाएगा सो रियल रेट इज़ ज़ीरो पॉइंट इलेवन थर्टी टू सो परसेंटेज के लिए हम इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे सो इलेवन पॉइंट थर्टी टू दैट इज योर रियल रेट हियर इट इज़ विच ऑफ़ द फॉलिंग इज नॉट इंटरनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर प्राइज बेटर कैश मैनेजमेंट ट्रांसफर प्राइजिंग इज यूजफुलॉर इक् इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज कट ऑफ रेट सो हि दिस दीज आर दी एमसीक्यू ऑफ इंग्लिश मीडियम नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्व फ्रॉम गुजराती मीडियम कैल्कुलेशन वही रहेगा उसमें कुछ आपको खास नहीं करना है चलिए शुरू करते हैं जो आंतरिक वर्तन ना दरे मुड़ी पड़तर करता बुध हो तो योजना स्वीकार होइए

એકચ્યુઅલી વિડિયો પહેલે બના ચૂકી હતી ઉસકા ક્લેરિટી બહુ ખરાબ હોય આઈ ડોન્ટ નો વાય તો ફીર વાપસ બના રહી ચાલો જો જવાબદારીના કેન્દ્રોની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન રોકાણ પર વળતર આરઓઆઈના આધારે થાય તો તેને રોકાણ કેન્દ્રો કહે છે જો નફાકારકતાનો આંક એક હોય તો ધન ચોખ્ખું વર્તમાન મૂલ્ય કહેવાય અંકુશિત કરી શકાય તેવો નફો એટલે આવક માઇનસ અંકુશિત પડતર ઉચ્ચ ચોક્કસતા સમકક્ષ આંક એટલે નીચું જોખમ થાય હવે આ જીલ લિમિટેડવાળો જે મેં હમણાં સમજા ત્રણ વર્ષનું તમને વર્તમાન મૂલ્ય એકસો એંશી લાખ રૂપિયા આપ્યું છે અને તમારું એન્યુટી ફેક્ટર ટુ પોઈન્ટ ફોર્ટી એટ સેવન છે ડિવાઈડ સિમ્પલી કરો યુ વિલ ગેટ ધ એન્યુઅલ બેનિફિટ્સ હવે ટુ પોઈન્ટ થર્ટી એટ લાખ વટાવનો દર અઢાર ટકા સામાન્ય વટાવનો દર અઢાર ટકા વટાવનો દર છ ટકા તો ખરેખર વટાવનો દર કેટલો ફોર્મ્યુલા લર્ન કરીને જજો એક્ઝામમાં વન પ્લસ આર વન વટાવનો દર આર ધેટ ઇઝ ખરેખર વટાવનો દર જેઝ સિમ્પલી વટાવનો દર એન્ડ ધીસ ઇઝ નોમિનલ સામાન્ય વટાવનો દર વેલ્યુ મૂકવાની છે અને તમારે ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાનું છે વી કેન સી ધીસ હાઉ આઈ સોલ્વ ઇટ રાઈટ આવી રીતે તમારે સોલ્વ કરવાનું છે આગળ ઇંગ્લિશમાં એક્સપ્લેન કરી દીધું છે અને સિમ્પલ જ નથી અઘરું ચાલ ઇલેવન પોઈન્ટ થર્ટી ટુ વિલ બી યોર આન્સર પર્સન્ટેજમાં આન્સર જોઈએ છે ઓકે દિસ વન નીચેનામાંથી કયો ફેરબદલી કિંમતનો આંતરિક ઉદ્દેશ નથી વધુ સારું રોકડ સંચાલન ફેરબદલી કિંમત નિર્ધારણ વિભાગની કામગીરીના મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગી છે आंतरिक वर्तन दर कट ऑफ दर है ओके सो दीज आर योर एम सी क्यू फ्रॉम गुजराती मीडियम एज वेल ओके सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग के भी आपके सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी एम सी क्यू आपके ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है लास्ट ईयर्स के ट्वेंटी टू के बाकी थे जो मैंने सॉल्व कर दिए गो फॉर ऑल द काइंड ऑफ एम सी क्यूज इसके एम सी क्यू खास करके क्योंकि ये मैंने देखा थ्योरी के अंदर से पूछे गए हैं दिस इज ओनली फिफ्टी मार्क्स क्वेश्चन पेपर यू हैव सेवेंटी मार्क्स क्वेश्चन पेपर सो गो फॉर ऑल द ऑल द आस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट till then next video mein. till then everyone bye bye and best of luck